कर्मचारियों में 3 नए थर्ड जेंडर कर्मचारी शामिल किए। इसके बाद बालको में अब थर्ड जेंडर कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। मार्च 2022 में 4 थर्ड जेंडर कर्मचारी नियोजित किए गए थे और छत्तीसगढ़ में बालको पहला औद्योगिक संगठन है जहां थर्ड जेंडर नागरिकों को रोजगार के अवसर मिले हैं। रिपोर्ट देखिए। विविधतापूर्ण और समावेशी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के दृढ़ संकल्प के साथ बालको भारत की उन चुनिंदा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में शामिल है जिन्होंने थर्ड जेंडर नागरिकों को रोजगार के अवसर दिए। कर्मचारियों में एकजुटता की भावना मजबूत बनाने और सभी के लिए उत्साहपूर्ण वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से बालको संयंत्र परिसर में कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें थर्ड जेंडर संबंधी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियां, आचार संहिता, समन्वय और काम करने के तरीकों से प्रतिभागियों को परिचित कराया गया है। इसके अलावा संयंत्र में उपलब्ध बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी की गई, जिससे थर्ड जेंडर कर्मचारी नए वातावरण में सहज हों और उनमें टीम के प्रति अपनेपन की भावना विकसित हो सके। बालको में नियोजित थर्ड जेंडर नागरिकों ने पात्रता मानदंडों के अनुरूप जांच प्रक्रिया के बाद संयंत्र में कार्य शुरू कर दिया। उन्हें औद्योगिक सुरक्षा, समान अवसर संबंधी प्रशिक्षण, शॉप फ्लोर और तकनीकी आदि प्रशिक्षण दिए गए हैं। मैं बालको में काम करके मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ की कंपनी मतलब यहाँ की फैसिलिटी भी अच्छी है। यहाँ हम लोग को बहुत कुछ फ्लैट वगैरह हर चीज़ दिए हैं और यहाँ से मैं जैसे बाहर निकलती हूँ टाउनशिप सामान खरीदने जाती हूँ या कहीं हॉस्पिटल भी जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो यहाँ के लोग हमको इज्जत देते हैं, अच्छा सम्मान देते हैं, अच्छे से बात करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। हम लोगों को बालको में जॉब करते अभी समथिंग 6 महीना हो गया है और यहाँ हम लोगों को जॉब करते बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का माहौल एकदम साफ वातावरण है और यहाँ के लोगों का देखने का तरीका एकदम सकारात्मक है और हम लोगों को भी गर्व फील होता है कि हमको यहाँ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। बालको के सीईओ और निदेशक अभिजीत पति ने कहा, योग्यता के आधार पर थर्ड जेंडर समुदाय को बालको में शामिल करना गर्व का विषय है। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के मार्गदर्शन में बालको प्रबंधन प्रतिभाओं की तलाश करने और उन्हें देश के विकास में योगदान के लिए तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। थर्ड जेंडर कर्मचारियों का नियोजन बालको की विविधतापूर्ण और समावेशी कार्य संस्कृति में मील का पत्थर है। राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए बालको ने अपने कार्यस्थलों में आधुनिक तकनीकों और प्रशिक्षित मानव संसाधन को प्रोत्साहित किया, भेदभाव रहित समान अवसरों का वातावरण बनाकर सामाजिक परिवर्तन लाने की दिशा में बालको कटिबद्ध है। फोकलिफ्ट ऑपरेटर भवानी राठिया ने बताया है कि बालको परिवार में शामिल होकर 1 माह के दौरान उन्हें तकनीकी कौशल बढ़ाने में मदद मिली है। यहाँ पे मौका दिया हम लोगों को काम करने के लिए, ऐसे ही दूसरे कंपनियों में ही अगर दे तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं और हम प्रूव कर सकते हैं कि हम लोग काम कर सकते हैं और यहाँ का सभी लोग बहुत अच्छे से हमको सम्मान देते हैं और बहुत अच्छे से सब ट्रेनिंग देते हैं। वही फोकलिफ्टर ऑपरेटर आयशा विश्वकर्मा ने उपलब्ध अवसरों के लिए बालको प्रबंधन के प्रति आभार जताया है। यहाँ काम करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बालको हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और बालको में जॉब करने के वजह से लोगों का नज़रिया और समाज में हमें बहुत इज्जत मिल रहा है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अन्य और कंपनियाँ हैं वैसी जैसे हमको मौका दिया है वैसे और कंपनी जो हैं वो भी मौका दें और हम बहुत आगे मतलब जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और करके दिखाना चाहते हैं। इसी तरह फोकलिफ्टर ऑपरेटर रूपा कुर्रे का मानना है कि थर्ड जेंडर समुदाय को रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने में बालको का योगदान प्रशंसनीय है। यहाँ काम करके बहुत खुश हूँ और साथ ही साथ बालकों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हम लोगों को यहाँ पर काम करने के लिए एक मौका दिए हैं और मैं यही चाहती हूँ कि मतलब और जो बाकी कंपनी वगैरह है वो भी हम लोगों को एक मौका दे और यहाँ पे हम लोग टाउनशिप है, टाउनशिप में जैसे सामान वगैरह खरीदी के लिए जाते हैं तो वहाँ के लोग अच्छे से व्यवहार करते हैं, सभी लोग बातचीत अच्छे से करते हैं।
देश की चहुमुखी प्रकृति और व्यावसायिक प्रचालन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में बालको की पहल श्रेष्ठ है। थर्ड जेंडर समुदाय के लिए भी बालको की ये पहल बहुत कारगर है। ये परिवर्तन उनकी सामाजिक हैसियत को सुधारने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बालको छत्तीसगढ़ राज्य की पहली ऐसी औद्योगिक इकाई है जहां किसी भी तरह के लैंगिक भेदभाव के परे नागरिकों को अपना हुनर दिखाने का अवसर मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।